नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में कृषि खेती बागवानी ऑर्गेनिक। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं तो ये कहूँगा कि गांव का कल्चर आपको इसमें देखने का मिलेगा, पूरी रियलिटी जो है गांव में कैसे खेती होती है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है इंटरेस्टिंग है कि मिर्ची की जो खेती है, चिल्ली की खेती, वो किस प्रकार की जाती है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ओजस का, जो F1 हाइब्रिड बीज है वो ये है कि उसकी पौध कैसे तैयार करते हैं, कब करते हैं। और ये देखिए आप, ये पौधा जो है मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये देखिए इसकी ऊंचाई काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये देखिए ज़मीन से इतना है, ये देखिए इसमें कितने कोंपले नहीं बनी थी, कितनी शाखाएँ इसकी बनी, जितनी शाखाएँ हुई उतनी ही अपने इसके ऊपर मिर्ची ज़्यादा ले पाएंगे। तो ये देखिए आपको अभी इसमें फ्लोरिंग का भी टाइम है, तो फ्लोरिंग इसकी ख़राब ना हो इसके लिए तो अपने को यही करना है कि जो है फंवारा है सेट, उसका सीधा पानी नहीं पड़ता, क्यारी में पानी डालना चाहिए, यही इसका सीक्रेट है। और इसमें आप देसी खाद जो है गाय की वही डाली है मैंने तो, और काफ़ी अच्छी इसके ऊपर मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मिर्चियों की अभी पैदावार जो है काफ़ी अच्छी है। ये 4-5 क्यारी में मैंने लगाई थी, जैसे हर पेड़ के ऊपर अभी तो देखिए ये पहला फाल बोल देंगे इसको अपने गांव में, तो हमारे ही बोलते हैं कि पहला फाल आ गया है भाई। तो ये जैसे ये फ्लोर है, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है फ्लोरिंग है अभी ये। इसके बाद में इसकी सेकंड स्टेज ये आ जाएगी, जैसे ये छोटी सी मिर्ची बनी है, उसके बाद में आपको ये दिखा दूँ मैं, ये है और फिर ये है, अभी ये मोटी हो जाएगी, मोटी भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये देखिए काफ़ी इसके ऊपर लगी हुई हैं मिर्चें। कई भाई लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, कि ये आपका मोटिवेशन मिलेगा मेरे को कि हाँ भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, मिर्ची का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये देखिए आप, हर आजकल तो ये हाइब्रिड आने लग गई हैं। हमारे खेत में पहले बहुत लंबी लंबी होती थी, मतलब बड़ा पेड़ होता था, वो देसी मिर्ची होती थी, वो भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पौध की है उनकी, तैयार हो रही हैं, और अभी जैसे प्याज के बाद में ही लगा देते हैं उनको, प्याज की तो निकाल लेते हैं ज़मीन से और वो लगा देते हैं। तो साथियों ये रहा एक, जैसे ये है इसकी भी काफ़ी देखिए लंबाई है, अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा अच्छा है। और जिसका बीज, ये देखिए ये इसकी फुल लेंथ हो गई है लगभग, ये लगभग मेरे बिलांग के करीब ही हो गई है। ये देखिए आप कितनी लंबी लेंथ है इसकी, तो अच्छा है काफ़ी देखने में, इंटरेस्टिंग है वीडियो पूरा देखिए। तो कैसा लगा साथियों वीडियो बताइए ज़रूर। इसमें सीक्रेट तो यही है इसके करने का, जैसे अभी काफ़ी भयंकर गर्मी है, लू है हमारे तो राजस्थान में लू है, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे से केयर की है। केयर का मतलब ये है कि इसमें पानी दिया है टाइम टू टाइम, और ये देखिए ये भी खाद ही है, जो लकड़ी जलाते हैं ना अपन चूल्हे में, जो ये बांदी जिसे कहते हैं, राख जो होती है, ये वो है बस। और इसका कोई सीक्रेट नहीं है कि मैंने क्या डाला है, कैसे हो गई, कोई इसका पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया मैंने। तो भाइयों पेस्टिसाइड का यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनकी वजह से ये एक तरीके से ये ब्रांडिंग करती हैं और कुछ नहीं है। अरे भाई क्या ज़रूरत है जब हमारे पास में ये है, ये सबसे बेस्ट मैं तो ये कहूँगा खरपतवार है, और पेस्टिसाइड का ये काम करती है बस, गाय का गोबर है, गाय का गोबर है बस, और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है अपने, क्यों डालें अपने ऐसी चीज़ें जिससे अपनी ज़मीन ख़राब हो, अपने शरीर में अपन खाएंगे इनको तो गंभीर बीमारियां हो उससे। तो हमें बचने के लिए इन तरीकों को अपनाना ही होगा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको मेरा, कैसी लगी फसल मेरी आपको बताइए ज़रूर, कमेंट कीजिए प्लीज़। ओके थैंक यू।